सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं स्वागत करता हूं जे आर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी करो। गाइस थोड़ा तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए आवाज़ में थोड़ा आपको बदलाव नजर आ रहा होगा, बट क्या करो थोड़ा सह लो। सो गाइस इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग, एंड एक दूसरा एजुकेशनल चैनल है, इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो गाइस आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं कोलिजन। ओके, कोलिजन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन एंड सेकेंड इज इन इलास्टिक कोलिजन। उसके पहले मैं आपको हमने इसके पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, जिसके अंदर हमने क्या क्या हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया था, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। गाइस ऐसा ही था, मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, दोनों इक्वल होता है। मतलब आपने दो बॉडी लिया था, एक बॉडी का मास m1 था, दूसरे बॉडी का मास क्या था, m2 था। इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। ओके, सो गाइस ये दोनों आपस में जब कोलाइड हो गए तो यही तो कोलिजन है। ओके, और तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सो गाइस अब जो इसके बाद टकराने के बाद इसका मास तो वही रहेगा m1, इसका मास क्या होगा m2, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। सो गाइस इसी को समझ के हमने एक रिजल्ट फाइंड किया था। हमारा जो फाइनल इक्वेशन था वो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये निकला था, आपको याद होगा गाइस। सो यही तो दोनों जब कोलाइड होते हैं तो यही हमारा कोलिजन। और कोलिजन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन और नेक्स्ट इज इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है गाइस, एक बात बता देना चाहता हूँ, इलास्टिक कोलिजन प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं है। जो इंटर एटोमिक कोलिजन होता है या एटम्स के बीच में जो कोलिजन होता है उसको हम एज अ इलास्टिक कंसिडर करते हैं, जो हम नेक्स्ट ईयर 10th में पढ़ने वाले हैं, बट डे टू डे लाइफ में इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर देखो क्यों पॉसिबल नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ बातें बताऊंगा आपको। देखो इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मान लो मैं अगर सामने वाले से टकराऊंगा तो मेरा एनर्जी कुछ ना कुछ तो लॉस होगा कि नहीं होगा ना, इसीलिए मैंने बोला कि डे टू डे लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इंटर एटॉमिक कोलिजन को हम एज ए इलास्टिक कंसीडर करते हैं, जो नेक्स्ट ईयर 12th में KTG लेसन में हम लोग समझने वाले हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंटायर सिस्टम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोलिजन अलॉन्ग विद द लीनियर मोमेंटम, कहने का मतलब सिंपल से यही बताऊं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या रहेंगे, सेम है। बॉडी टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो उसको कंसिडर किसके अंदर किया जाता है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर। जो गाइस मैं बार बार बता रहा हूं, अभी अगर मैं बात करूं डे टू डे लाइफ में तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, बट कुछ चीजों को हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको हम कंसिडर करते हैं, कि वो मान लो ये एटम इलास्टिक है जो हम नेक्स्ट ईयर समझने वाले हैं। देखो अगर मैं यहाँ सामने वाले वॉल से टकराता हूँ तो फ्रिक्शन के कारण कुछ तो कुछ एनर्जी लॉस होगा ना, तो इनिशियल और फाइनल कैसे इक्वल हो जाएगा। बट हम कुछ टॉपिक को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए उन एटम्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, इलास्टिक कोलिजन में कंसिडर करते हैं, जो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट अभी के लिए बस इतना याद रखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होता है, कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब चेंज नहीं होता। अब इन इलास्टिक कोलिजन में गाइस क्या होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब गाइस अब टकराने से पहले मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा है, टकराने के बाद मेरी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी लॉस होगी, इसीलिए जो स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसा कोई कंडीशन आता है तो कंडीशन किसमें आएगा, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देन कोलिजन क्या, कौन सा कोलिजन हो जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन। अ कोलिजन इज सेड टू बी इन इलास्टिक इफ देयर इज अ लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन बट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है मैम, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। एनर्जी की बात करो, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर किसी के अंदर फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस हो रही है तो वैसे कोलिजन को क्या बोलेंगे हम, वैसे कोलिजन को बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। अगर दोनों सेम है देन इलास्टिक, अगर सेम नहीं है तो इन इलास्टिक कोलिजन। अब गाइस
इन इलास्टिक कोलिजन के कुछ टाइप्स होते हैं, परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन और पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन, तो दोनों ये भी समझ लेते हैं। देखो इन इलास्टिक कोलिजन का दोनों टाइप है गाइस, तो दोनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने वाला है, मतलब एनर्जी लॉस होने वाला है, पहले ही समझ लेना, क्योंकि दोनों के सब टाइप है, तो दोनों के अंदर एनर्जी का लॉस होगा ही एक एक करके। पहले परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अब मान लो जैसे ये समझ लो, समझाता हूं, जो सबसे प्यारा एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, अगर मान लो ये मेरा वुडन ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने गन से फायर किया, तो ये बुलेट जो है मेरा, ये बुलेट जा रहा है मेरा, जा रहा है, जाने के बाद गाइस ये बुलेट, मान लो बुलेट का जो मास है वो M1 है, ओके ध्यान से समझना है, इसका मास M1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 है, ओके। अब ये गाइस ये जो बॉडी है ये वाला, ये जिसपे टकराने वाला जिस यूडन ब्लॉक पे, इसका भी जो मास है M2 है और इनिशियल वेलोसिटी U2 है, टकराने के बाद गाइस ये जो, देखो मैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को समझा रहा हूँ गाइस, इसका मास, इस जो बुलेट था उसका मास M1 है, ओके, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 है टकराने से पहले, कोलाइड होने से पहले, और ये सेम वुडन ब्लॉक का जो मास है वो M2 है, और टकराने से पहले, मतलब ये जो बुलेट है टकराने से पहले, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, U2। अब गाइस ये बुलेट इसके अंदर, इस मतलब इसके अंदर चला गया, मतलब ये दोनों एक साथ वुडन ब्लॉक के अंदर जाके वो बैठ गया, जाके बैठ फिट हो गया, और फिट होने के बाद ये वुडन ब्लॉक और बुलेट दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो इस बुलेट की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू किसकी फाइनल वेलोसिटी, इस वुडन ब्लॉक की, अगर दोनों सेम है, मतलब जो बुलेट है वो बुलेट किसके अंदर चला गया, किसके अंदर जाके फिट हो गया, जो बुलेट है वो वुडन ब्लॉक के अंदर जाके फिट हो गया, और दोनों सेम वेलोसिटी से आगे मूव होने लगे, मतलब कहने का मतलब जो दोनों की फाइनल वेलोसिटी है दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, मास तो इसका मास M2 है और इस बुलेट का मास क्या है, M1 है, बट यहां समझना क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी अगर दोनों की सेम है तो किसके अंदर आ जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, किसके अंदर आ जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो बस इतना ही समझना है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा कि कोलाइड होने के बाद जो दोनों ऑब्जेक्ट है जिससे कोलाइड हो रहा है और जो कोलाइड हो रहा है, जिससे हो रहा है और जो हो रहा है खुद, तो दोनों अगर सेम वेलोसिटी से आगे मूव हो रहे सो वो किसके अंदर आ जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इफ कोलाइडिंग बॉडीज ज्वाइंट टुगेदर, दोनों ज्वाइंट हो गए बुलेट और ये ज्वाइंट टुगेदर आफ्टर कोलिजन, इट इज सेड टू बी अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कहने का मतलब ये दोनों कोलाइड, दोनों क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए, एक ही वेलोसिटी से आगे मूव हो रहे हैं, मतलब कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, तो ये किसके अंदर आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब गाइस बात है पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, चलो ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा क्या होता है। अब मान लो ये मेरा वुडन ब्लॉक, फिर से वुडन ब्लॉक, अब ये मैंने फायर किया इससे गन से फायर किया बुलेट को, बुलेट गई इससे टकरा के वापस आ गई, ये दोनों ज्वाइंट होके आगे ही नहीं गए, ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में ही है, बट अगर मान लो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी, मतलब पहले ये 80 था वेलोसिटी और टकराने के बाद ये लॉस होके 60 हो गया, पहले 80 था टकराने के बाद क्या 60 हो गया, बट ये जो ब्लॉक है वो आगे नहीं मूव हो रहा है, ये वापस रिटर्न आ गया बट कुछ एनर्जी लॉस करके, तो ये किस में आ जाएगा, पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। जो बुलेट था गाइस, बुलेट किस पे टकरा है, वुडन ब्लॉक पे, और वुडन ब्लॉक और जो बुलेट दोनों एक साथ मूव नहीं हो रहे, ये जो बुलेट है वो टकराने के बाद वापस रिटर्न आ गया बट कुछ एनर्जी लॉस करके आ रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, एक बार और शॉर्ट में समझाऊंगा मैं, कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, दो, इलास्टिक और इन इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि अगर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों अगर सेम है तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर आएगा। इन इलास्टिक कोलिजन की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो स्टार्टिंग बॉडी की एनर्जी है टकराने के बाद अगर उसकी एनर्जी लॉस हो जा रही है और कम हो जा रही है तो किसके अंदर आएगा, इन इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन के दो टाइप है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एंड पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है बुलेट, एग्जाम्पल मैंने दिया था, दो बॉडी कोलाइड होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट होके अगर सेम वेलोसिटी से आगे मूव हो रहे हैं तो हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। और पार्शियल इन इलास्टिक में क्या होगा, बॉडी टकराने के बाद जो दूसरी बॉडी है ज्वाइंट नहीं हो रही है बट रिटर्न कुछ एनर्जी लॉस होके रिटर्न लॉस कर होके वापस रिटर्न आ रही है, सो किसके अंदर आ जाएगी, पार्शियल इन इलास्टिक। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अगर समझ में आया, थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, फिर मैंने सोचा कि नहीं वीडियो नहीं रोक नहीं सकते,
बिल्कुल नहीं रोक सकते। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। सबसे बड़ी बात गाइस, अपना ध्यान रखो। जय हिंद।